आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। स्वागत है आपका इस खास कार्यक्रम में। नया साल आने वाला है और बस साल 2022 में कुछ ही वक्त रह गया है। ज्यादातर लोग नए साल की सेलिब्रेशन और वेकेशन मनाने की तैयारियों में लगे हुए हैं, लेकिन कुछ लोगों को मौज मस्ती से अलग भविष्य की चिंता भी सता रही है कि आने वाला साल कैसा रहेगा और खुद क्या करें कि साल 2022 में धन, अर्थ, काम, मोक्ष सब कुछ अच्छा फल दे के जाए। नया साल आने वाला है और इससे लोगों को काफी चिंता भी सता रही है कि आखिर क्या कुछ ऐसा करें जिससे आने वाले काम में सब कुछ शुभ ही शुभ हो। कुछ लोग सेलिब्रेशन के लिए लगे हुए हैं तो कुछ लोग मौज मस्ती करना चाहते हैं और कुछ लोग चाहते हैं कि आने वाला समय जिसमें स्वस्थ जीवन रहे, शांतिपूर्वक नया साल बीते और आने वाले समय में सब कुछ अच्छा रहे। कुछ लोग ग्रह नक्षत्र और कुंडली के अनुसार उपाय भी जानना चाहते हैं, लेकिन इसके अलावा हम आपको नए साल सुखद रहे और आपको कामयाबी दे, आपके परिवार में प्यार बना रहे, इसके लिए आप क्या कुछ कर सकते हैं, कौन से उपाय कर सकते हैं और कैसे आपका जीवन सरल और अच्छा रहेगा, इन सब के उपाय भी बनाएंगे और ऐसे उपाय बताएंगे जिनको अपनाकर आप कामयाबी के शिखर पर पहुंच सकते हैं। इसके लिए आपको साल की शुरुआत में या पहले ही दिन कुछ चीजों का ध्यान रखना होगा। आप क्या खरीद सकते हैं जो आपको समृद्धि दे, जो आपके लिए समृद्धि का प्रतीक बने। मानस अमृत सेवा संस्थान के परमाध्यक्ष राम कथा सरस गायक जितेंद्री जी महाराज हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि आपको इन सभी तमाम सवालों का जवाब देंगे और आपको वो उपाय बताएंगे जिसे करने से आप पूरे साल खुश रहेंगे, समृद्ध रहेंगे, आपके जीवन में खुशी बनी रहेगी। तो महाराज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे प्राइम टीवी के इस चैनल में। तो सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि हमारे दर्शकों को क्या करना चाहिए कि उनका साल पूरी शुभता, खुशी और प्यार के साथ बीते। सादर जय सियाराम। प्यारे भक्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारा नया साल 2022 कुछ ही क्षण में आने वाला है। सबसे अच्छी बात आप जानते हैं, इस संवत्सर, इस नए साल की सबसे पहले तो हम आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देंगे और साथ में आपको हम बताएंगे कि अपना नया संवत्सर प्रारंभ कब से होता है। अगर इसमन के अनुसार हम याद रखें तो नया संवत्सर हम लोग का चैत्र मास शुक्ल पक्ष में प्रतिपदा तिथि से प्रारंभ होता है, उसी के साथ में अपने नए साल की शुरुआत करते हैं। लेकिन ईश्वर की कृपा से यह हर वर्ष बदलता रहता है। इसी अंग्रेजी महीने के अनुसार आज की रात्रि समाप्त करके पुनः हम 1 जनवरी में प्रवेश करेंगे। इसके साथ में विशेषता, तीन चीज़ों का विशेष ध्यान रखना है और तीन चीज़ों के साथ में तीन खास बातें हैं कि इस साल की सबसे पहली शुरुआत की बात करते हैं तो ये दिन जो है वो शुरुवार हो रहा है किस दिन से, शनिवार से। शनिवार के साथ में दूसरी बात, सबसे अच्छी बात है कि इस दिन भगवान शिव का प्रदोष है, प्रदोष तिथि के अनुसार। और तीसरा सबसे विशेष बात ये है कि इस दिन की शुरुआत के साथ में इस साल का जो राजा होने वाला है, जो चैत्र से बदल जाएगा, उसका राजा जो है वो शनि है। और सबसे अच्छी बात है, शनि के साथ साथ जब हम चैत्र शुक्ल पक्ष प्रतिपदा तिथि नवरात्रि से प्रारंभ करेंगे तो साल की भी तिथि के अनुसार, और सबसे अच्छी बात अंग्रेजी की तिथि के अनुसार, दिन के अनुसार शनिवार से वो भी प्रारंभ हो रहा है। तो आज सबसे अच्छी बात हम करेंगे, जो आपने प्रश्न किया, प्रश्न के अनुसार हम आपको बताएंगे। जैसा कि आपने बोला कि निरंतर लोग नए साल का उत्साह पूर्वक करते हैं, ये हिंदू सनातन धर्म में सबसे अच्छा विषय है कि सभी को भगवान की कृपा प्राप्त हो, लेकिन अपने जीवन की सबसे बड़ी चिंता सभी को दिन रात सताती रहती है। तो मैं समस्त भक्तों से यही निवेदन करता हूँ कि अपने नए संवत्सर के अनुसार, नए साल के अनुसार दिन की शुरुआत करें, जिसमें भगवान का पूजन, अर्चन, वंदन से अपने साल की शुरुआत करें। आज का निरंतर मैं देखता हूँ अपने नए साल की शुरुआत पश्चिमी सभ्यता को अपनाते हुए लोग कर रहे हैं, जिसमें मौज मस्ती करना किसी के लिए कोई गलत बात नहीं, इसका दुरुपयोग कदाचित ना करें।
रात्रि 12 बजे के बाद 12 एक से नए साल में हम प्रवेश करेंगे, जो कि 2022 जनवरी से प्रारंभ हो रहा है, जो 1 जनवरी जो हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। लेकिन इसके साथ कोशिश करें उसी रात्रि से ही, उसी स्थान से जहाँ पे भी आप, चाहे बिस्तर पे, चाहे मार्केट में हो या कहीं भी, उस समय हम भगवान श्री हनुमान जी महाराज, भगवान श्री शनि देवता और भगवान शिव, इन तीनों देवताओं की उसी स्थान से आराधना करें, स्मरण करें कि प्रभु हम नए साल में प्रवेश कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये साल हमारा बदल रहा है। साल के बदलते ही हम सभी को विशेषता भगवान शनि देवता का स्मरण कर, पूजन कर, अर्चन कर, रात्रि का स्मरण करें और प्रातःकालीन ठीक 7:30 बजे, जैसे कि आप लोग सभी सो के जगते हैं, उस दिन भगवान का पूजन अर्चन वंदन करें। शनि देवता न्याय के देवता हैं, सर्वप्रथम प्रातःकालीन में शनि देवता का पूजन करें, जिससे सभी के जीवन में समस्त प्रकार का कष्ट समाप्त होगा। उसके लिए सबसे उचित है कि शनि देवता के मंत्र का स्मरण करें, वंदन करें और भगवान का नमन करें। स्मरण का मंत्र है ओम प्याम पीम प्रोम स शनिचराय नमः। इस मंत्र का जप कर भगवान श्री शनि देवता को प्रसन्न करें, क्योंकि साल की शुरुआत भी शनि से हो रही, और जब शनि से हो रही तो सभी शनि नाय के देवताएं, इसमें सभी का कल्याण होगा। उसका दूसरा विषय भगवान शिव की पूजा का, जो दोपहर के समय में या 10:30-11 के आसपास में हम भगवान शिव की भी पूजा कर सकते हैं। पूजा करने से भी हमारा कल्याण होगा, क्योंकि उसी दिन प्रदोष भी पड़ रहा है और प्रदोष जीवन में सदबी के कल्याण करता है। उसके उपरांत तो भगवान श्री हनुमान जी महाराज का संध्या के समय में, गोधूरी बेला के समय में सभी हनुमान जी का स्मरण करें। क्यों? क्योंकि हनुमान जी महाराज हमें क्या देते हैं, बल बुद्धि विद्या देव मोहि हरहु कलेश विकार। ए हनुमान जी, बच्चों के लिए विद्या चाहिए, बड़ों के लिए बल चाहिए, धन चाहिए, जिससे उनका परिवार अच्छे से चल सके। तो उन्हें क्या चाहिए कि हनुमान चालीसा का प्रेम से स्मरण करें, जिससे उन सभी के जीवन में सदैव कल्याण होगा। और गोस्वामी जी हनुमान चालीसा में कहते हैं बल बुद्धि विद्या देवमय। क्यों? क्योंकि बल के देवता कौन है, भगवान श्री हनुमान जी। विद्या की देवी कौन है, माता सरस्वती। और बुद्धि के देवता कौन है, भगवान श्री गणेश जी, जिससे उन सभी के जीवन में सदैव भगवान की कृपा बनी रहे और जीवन में सदैव सकारात्मक ऊर्जा का विस्तार हो। उसके उपरांत तो बड़े प्रेम से हनुमान जी का जब स्मरण करेंगे तो मैं विश्वास दिलाता हूं उनके जीवन में सदैव समस्त प्रकार के संकट समाप्त हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि गोस्वामी जी कहते हैं संकट कटे मिटे सब पीरा और जो सुमिरे हनुमत बल बीरा। उनका स्मरण कर उनके जीवन के समस्त संकट इस पुराने 9 संवत्सर जो समाप्त हो रहा है उसके साथ में समाप्त हो और नए में, क्योंकि वो प्रवेश करें, इसलिए उनके जीवन में सदैव मंगल हो और मंगल की कृपा के साथ में। क्यों? क्योंकि साल 2022 का जैसे ही चैत्र शुक्ल पक्ष आएगा, राजा बनेगा शनि और मंत्री बनेगा बृहस्पति, तो बृहस्पति की भी कृपा सब भक्तों को मिले, तो उसके लिए हनुमान जी की आराधना, हनुमान जी की पूजा, हनुमान जी की वंदना कदाचित करना ना भूलें। क्योंकि हनुमान जी महाराज को वरदान दिया है माता सीता ने, कहाँ पे, अशोक वाटिका में। कौन सा वरदान? अस्त सिद्धि नवनिध के दाता अस्वर दीन जानकी, माता जानकी में ने वरदान दिया है। लेकिन इतना वरदान पाने के बाद भी प्यारे हनुमान जी महाराज प्रसन्न नहीं हुए और परिणाम मैया जान गई उन्हें क्या चाहिए। तो गोस्वामी जी कहते हैं राम रसायन तुमरे पासा सदा रहो रघुपति के दासा। किसके दास बने रहिए आप? श्री राम जी के। और राम जी के दास कौन बना है? हनुमान जी। और हम सभी भक्त, क्योंकि साल की शुरुआत किससे? शनिवार से, इसलिए पूरे साल 365 दिन है आपके पास, इसलिए हनुमान जी, भगवान शिव जी और शनि देवता को कदाचित ना भूलें। यदि इन्हें भूल गए तो समझ लीजिएगा जीवन में कुछ भी मंगल होने वाला नहीं है। इसलिए न्याय के देवता शनि देव हैं, हनुमान जी हैं, इसलिए प्रेम से भजो, इसी में सभी का कल्याण होगा। जी महाराज जी, नए साल में सभी धनवान बनना चाहते हैं, तो धन का उपाय क्या रहेगा? क्या ऐसा कौन सा उपाय है जिसको करके लोग धनवान बन सकते हैं? बहुत सुंदर प्रश्न किया आपने धनवान बनने के लिए। तो जैसे ही हम शनिवार को प्रारंभ करें अपने नए संवत्सर को, नए साल को मनाने के लिए, तो हमें चाहिए कि उस दिन शुरुआत करें भगवान की पूजा के साथ में। कुछ विशेष जानकारी मैं आपको देता हूँ, जिसमें जब आप साल की शुरुआत करें मार्केटिंग जाए, क्योंकि आजकल तो मौज मस्ती में सब पश्चिमी सभ्यता को अपनाते हैं, लेकिन इसके साथ में अगर संभव हो सके तो पूजा की शॉप पे जाकर के गोमती चक्र मिलता है, गोमती चक्र को लाएं, अपने पूजा स्थल पर स्थापित करें, उनका पूजन करें, वंदन करें। गोमती चक्र यदि कोई व्यक्ति नहीं ला सकता है तो उसे चाहिए
कि प्रेम से मार्केट में बहुत से अच्छे अच्छे आजकल प्रत्येक तरह से मिट्टी के हो गए या अन्य भी किसी चीज़ों के आपने देखे होंगे कछुए मिलते हैं। कछुए को भी लाकर आप घर में स्थापित कर सकते हैं जिससे भगवान लक्ष्मी की कृपा आप सभी पे सदैव बनी रहे। कछुआ भी बहुत से लोग अगर नहीं ला सकते हैं तो इस दिन कोशिश करें, संभवतः आपने देखा होगा तस्वीरों में 7 घोड़े जो चलते हुए एक ही दिशा की ओर दिखते हैं, कोशिश करें उन्हें भी घर पर ला के स्थापित करें। ये भी संभव नहीं हो सकता है तो इसके अलावा एक विशेष उपाय हम आपको बता रहे हैं, इस दिन अगर संभव हो सके तो लाफिंग बुद्धा की मूर्ति ला के घर में स्थापित करें। इन 4 विशेष चीज़ों का यदि आप आज के दिन घर में लाते हैं तो देख लीजिएगा आपके जीवन में सदैव भगवान की कृपा अच्छी बनी रहेगी और माता लक्ष्मी सदैव आपसे प्रसन्न रहेंगी। जी, जिस तरह से हम लोग जो है नए साल की शुरुआत कर रहे हैं तो उसकी शुरुआत सुबह से होती है, तो सबसे पहले सुबह पूजा करने के बाद हमें क्या करना चाहिए? पूजा करने के बाद, क्योंकि नए साल की शुरुआत हम कर रहे हैं तो पूजा के साथ में सर्वप्रथम अपने माता पिता, अपने गुरुजनों या अपने पूर्वजों की तस्वीर, क्योंकि की रखी रहती हैं, मूर्तियां लगी रहती हैं, तस्वीरें लगी हैं, उन्हें प्रणाम करना, उनका आशीर्वाद लेना है। आशीर्वाद लेकर के कुछ मिष्ठान ग्रहण करना है, क्यों? क्योंकि मीठा खा के ही दिन की शुरुआत करें जिससे आपके जीवन में सदैव मिठास बनी रहे, इसी में आप सभी का कल्याण। और आजकल मैंने देखा है लोग पश्चिमी सभ्यता को अपनाते हैं, भारतीय सभ्यता को भूल जाते हैं। पिता के माता के चरणों को पखारने का सबसे अच्छा स्मरण सभी भक्तों के लिए मैं कहूँगा कि अपने माता पिता के चरणों को बन सके तो अपने इन दोनों हाथों से छूना चाहिए और छूने के साथ में उनके चरणों में स्पर्श भी करना चाहिए, क्योंकि आजकल पश्चिमी सभ्यता है तो लोग घुटनों को ही छूते, लेकिन हकीकत ये है कि पैरों को छूओगे और पैरों को छूने के बाद अपने माता पिता का आशीर्वाद भी लो। पहले के समय में जब बच्चे माता पिता के चरणों को छूते थे, माता पिता अपने दोनों हाथ से अपने बच्चों को आशीर्वाद देते थे, लेकिन क्योंकि पश्चिमी सभ्यता है तो लोग आशीर्वाद भी नहीं लेते हैं, उस स्थान से लुप्त हो जाते हैं। तो मेरा सभी से निवेदन है, जब भी अपने माता पिता के चरणों को स्पर्श करें तो अपने दोनों हाथों से माता पिता से निवेदन करें कि प्रभु मेरे पिताजी, मेरे माताजी, मेरे सिर के ऊपर रख दीजिए, क्यों? क्योंकि आपका आशीर्वाद बना रहेगा तो जीवन में कभी भी कोई संकट आने वाला नहीं है। नकारात्मकता को दूर करने के लिए क्या उपाय किए जा सकते हैं, क्योंकि हर एक के जीवन में आजकल तनाव नकारात्मकता देखने को मिलती है, तो इसको दूर करने के क्या उपाय हो सकते हैं? देखिए, साल की शुरुआत आजकल जैसा आप देख रही हैं कि अंग्रेजी वर्ष है, अंग्रेजी वर्ष का विरोधाभास चल रहा है चारों तरफ। लोग कहते हैं हमारा चैत्र नवरात्रि प्रारंभ हो रहा है, हम उससे मनाएंगे, हम किसी को शुभकामनाएं नहीं देंगे। ये बात अच्छी बात है, हमारे चैत्र नवरात्रि से ही हमारे साल की शुरुआत हो रही है, लेकिन मैं सभी से निवेदन करता हूं क्योंकि ये मेरा साल बदल रहा है, इस साल को बदलते हुए आप सभी का विशेष अनुरोध के अनुसार अगर आप चाहते हैं अपने जीवन में कुछ परिवर्तन करना तो इस विरोधाभास को खत्म करके एक दूसरे के प्रति सजग रहो, एक दूसरे को बधाई दो, एक दूसरे का हाल चाल लो, क्योंकि जीवन बहुत थोड़ा है, जीवन बचा नहीं। आपने देखा जैसे कि अभी अनुमान लगाइए जो हमारा 2021-2020 का समय गया है, COVID-19 कोरोना महामारी के कारण कितने लोग हमसे दूर हो गए। अगर आंकड़ों की बात करें तो 54 लाख लोग मृत्यु को प्राप्त हो गए, इतने लोगों को हमने खो दिया है और जीवन में जाना सबको है, इसलिए विरोधाभास किसी का ना करें। आप नए संवत्सर को मनाएं प्रेम से जो अभी चैत्र में आएगा, लेकिन इन 9 संवत्सर को भी ना भूलें, क्योंकि ये नया साल बदल रहा है। इसी विरोधाभास में हम साल की शुरुआत करते हैं, इससे ना आपका कल्याण है, ना हमारा कल्याण है और ना इस जगत में किसी का भी कल्याण, इसलिए विरोधाभास ना करें। एक साल कि जैसे ही शुरुआत करें उसमें सभी को अपनी ओर से फोन करें, अपनी ओर से, चाहे वो मामा जी हों, चाचा जी हों, ताऊ जी हों, काका जी हैं, नाना है, आपके जो भी रिश्तेदार हैं, पहल आप स्वयं कर लें, लेकिन आजकल हम सभी लोग अपनी हैठन में रहते हैं, उसी नकारात्मक ऊर्जा को दिन रात सोचते रहते हैं, क्योंकि साल की शुरुआत है तो मन में बहुत से प्रश्न हैं, आप फोन करें, अंतोगत्वा अगर इस पहल हमने कर दी तो समझ लेना कल्याण भी हमारा होगा और हमारे चेहरे पे एक प्यारी सी स्माइल रहेगी जिससे हम सभी का कल्याण जीवन में बना ही रहेगा। जी, जैसे कि आपने बताया कोरोना काल है तो कई लोग बेरोजगार भी हुए, नौकरी का संकट भी है, तो अगर जिन लोगों के जीवन में नौकरी का संकट है तो उसे दूर करने के लिए क्या करा जाए? आपने बहुत अच्छी बात की, नौकरी का संकट। देखिए, आज के समय क्या है कि जैसा कि आप जान रहे, कोविड के समय में कमाई कम हो गई लेकिन खर्च उतने ही है, खर्च में कहीं भी कोई कमी नहीं हुए। जो दूध कल आता था 1 लीटर 60 रुपीस का, आज भी वो इतना ही कहीं आ रहा है, लेकिन हकीकत तनख्वाहें कम हो गई, बेरोजगारी भर गई। तो इसलिए मेरा निवेदन है अपने खर्चों पर नियंत्रण करें, क्योंकि समय एक दिन ऐसा नहीं रहता है, किसी न किसी दिन हमारा समय फिर से अच्छा होगा,
जो आज हमारे पास पूंजी है उसी पूंजी को धीरे धीरे खर्च करें, धीरे धीरे अपने व्यापार को बढ़ाएं और ईश्वर की कृपा से वो समय जल्द आ जाएगा। लेकिन हम खर्चे पर नियंत्रण नहीं रखना चाहते। हर दिन जन्मदिन मनाना है, हर दिन नए साल पर हमको कुछ अच्छा करना है, हर दिन अपनी शादी की सालगिरह मनाएं, ऐसे कुछ खर्चों को अगर जीवन में रोक देंगे कुछ समय के लिए तो समझ लीजिए आपका जीवन सुखद हो जाएगा। नहीं तो एक दिन अच्छी दावत करने के बाद में गरीबी भुखमरी आप सभी जानते हैं। इसलिए अभी भी जागो, तभी सवेरा है, नया साल है, नए साल की मस्ती के साथ में अपने बजट को, अपनी व्यवस्था को अपने हिसाब से करें तो ही आपका कल्याण होगा। नहीं तो आप दिन रात ऐसे ही परेशान रहेंगे और नकारात्मक ऊर्जा का विस्तार आपके जीवन में होता ही रहेगा। जी महाराज जी, नौकरी के लिए लोग उपाय करते हैं, कई देवी देवताओं की पूजा करते हैं, तो कौन से देवी देवता की पूजा करना सफल या फिर लाभदायक साबित होगा लोगों के लिए? इस साल की शुरुआत जैसा मैंने बताया कि शनिवार से हुई है और 2078 जो संवत्सर है, जैसे ही चैत्र नवरात्रि प्रारंभ होगा 2089 संवत्सर हमारा प्रारंभ हो जाएगा। उस साल का जो राजा है 2022 का वो है आपका शनि और मंत्री कौन है, वो है बृहस्पति। बृहस्पति का उपाय करें, शनि का उपाय करें, इससे आपके जीवन में कल्याण होगा। बृहस्पति के उपाय के लिए सबसे बेस्ट है जिन्हें रोजगार में दिक्कत हो रही है उन व्यक्तियों को चाहिए वो निरंतर भगवान श्री हनुमान जी का पूजन करें, अर्चन करें। क्यों? क्योंकि बल के देवता कौन है, मैंने जैसा बताया कि हनुमान जी महाराज, बुद्धि के गणेश जी और विद्या की माता सरस्वती, इन तीनों चीजों की कृपा हमको भगवान से प्राप्त करनी है, इसलिए हमें निरंतर हनुमान जी की पूजा अर्चना करनी है। और साथ में बहुत से लोग रोग से ग्रसित हैं, इस समय रोगों से भी परेशान है, तो उन्हें भी चाहिए कि हनुमान जी की आराधना करें। क्यों? क्योंकि गोस्वामी जी कहते हैं नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा, जो हनुमान जी को भजेगा उसके जीवन में कभी कोई दिक्कत आने वाली नहीं है और साथ ही ईश्वर की कृपा से उनका सदैव कल्याण होता ही रहेगा। जी, धन की वृद्धि के लिए क्या उपाय किया जाए, कौन से देवी देवता की, क्या सिर्फ लक्ष्मी जी की पूजा से धन की वृद्धि होगी? देखिए, धन की वृद्धि के लिए जैसा आपने बोला लक्ष्मी माता, लक्ष्मी जी की आराधना के साथ में जो अपने घर की लक्ष्मी है उसका तिरस्कार कदाचित करना नहीं चाहिए। लोग अपने परिवार में अपनी पत्नी का, बहुत से लोग आजकल पश्चिमी सभ्यता को देखते हुए अपनी माता की बात का ना मानना, अपने पिता की बात का खंडन करना, जो समाज ये कर रहा है समझ लीजिए उसके घर में लक्ष्मी की कमी सदैव बन रही है। हमें निरंतर अपने माता पिता का स्मरण रखना है, अपने माता पिता की बात का सम्मान करना है और पत्नी की बात का सदैव ध्यान रखना है। लेकिन पत्नी को हर वक्त उसको बताने देना, हर वक्त उसको डांटना, हर वक्त उसकी बात को ना मानना, परिणाम घर से लक्ष्मी धीरे धीरे चली जा रही है। जैसा कि हम बाहर गरीबों को बांटते हैं, कंबल बांटते हैं, कभी रजाई देते हैं, कभी कुछ देते हैं, कभी लड्डू खिलाते हैं, लेकिन उससे पहला है जो हमारे जीते जागते माता पिता हमारे घर में है, हमें उनको भजना चाहिए, उनकी बातों को मानना चाहिए, उनकी बातों को सुनना चाहिए, जो कि आजकल लोग नहीं कर रहे हैं। मैं तो यही कहूंगा लोग घंटी मत बजाओ मंदिरों में, लेकिन जीते जागते माता पिता की सेवा करो, पत्नी की बात मानो, बहनों भाइयों की बात मानो, देख लेना आपके जीवन से कभी भी लक्ष्मी जाने वाली नहीं है। जिन लोग के जीवन में वैवाहिक संबंधों में परेशानी आ रही है, जो शादी जिनकी नहीं हो पा रही, उन लोगों को क्या उपाय करनी चाहिए कि उनकी शादियां जल्दी हो सके? बिल्कुल, आपने अच्छी बात की, जिन लोगों का विवाह नहीं हो रहा है, विवाह की बात जो सबसे बड़ी आपने बोला, जैसे ही 15 जनवरी की शुरुआत होगी, 15 जनवरी 2022 से विवाह की लगने प्रारंभ हो रही है, विवाह के साथ में जिन लोगों के विवाह में बाधा उत्पन्न रहे उनके लिए मैं तीन विशेष चीजें आपको बता रहा हूँ। एक तो सर्वप्रथम बृहस्पति कमजोर होने की वजह से विवाह में बाधा उत्पन्न होती है, उसके लिए कुमारी कन्याएं, कुमारे वर हल्दी की गांठ को अपने गले में धारण करें, जिससे बृहस्पति देवता की कृपा उनके ऊपर बनेगी। साथ में प्रत्येक बृहस्पतिवार को ईश्वर की कृपा से 2 केला अगर बन सके तो प्रत्येक बृहस्पतिवार को गाय को खिलाओ। मैं विश्वास दिलाता हूं 16 बृहस्पतिवार अर्थात 4 महीने के अंतराल में आपका विवाह अति शीघ्र हो जाएगा, ये लिखित प्रमाण मैं देता हूं। लेकिन प्रेम से भाव से मस्ती के साथ में बृहस्पति को केला खिलाना है, कितने 4 महीने तक लगातार अर्थात 16 बृहस्पतिवार। उसके उपरांत तीसरा उपाय क्या करना है, जब हम स्नान करते हैं अपने टॉयलेट में, अपने बाथरूम में जाते हैं, तो वहाँ पे एक डिब्बी रखें, उसमें हल्दी रखें और हल्दी के साथ में नहाते वक्त उस हल्दी को एक चुटकी उस पानी में मिलाइए, उससे स्नान कीजिए, भगवान श्री बृहस्पति देवता भगवान नारायण की कृपा उस भक्त पे बनेगी और उसका विवाह अति शीघ्र हो जाएगा। जी, जिन लोगों का विवाह तो हो गया है लेकिन उनके संबंधों में मधुरता नहीं है, तो मधुरता लाने के लिए क्या करना चाहिए? देखो, मधुरता की बात जो आप इस समय हमसे कह रही हैं, मधुरता तो एक ही चीज से आ सकती है, वो आज का समय आप सब जानते हैं कैसे आएगी। दो व्यक्ति जब आपस में रहते हैं
तो बहुत से उतार चढ़ाव जीवन में लगे रहते हैं, उनसे बचने के लिए हमें एक को हमेशा शांत रहना चाहिए। शांत रहने से उसका भी कल्याण होगा, हमारा भी कल्याण होगा। पति पत्नी का संबंध बहुत मधुर है, लेकिन आज के समय मधुरता हम लोग बना के नहीं रखते हैं। उसके बाद हम इनकी कमियां देते हैं, हम उनकी कमियां देते हैं। इसका परिणाम ये है कि हमें प्रेम रखना है। प्रेम रखने का सबसे अच्छा तरीका है, अगर पत्नी कुछ बोले तो पति को बिल्कुल शांत होकर मस्ती के साथ सुनना चाहिए, देखना जीवन बहुत मधुर हो जाएगा। पति कुछ कह रहा है तो पत्नी को सुनना चाहिए, लेकिन आज के समय में एक दूसरे सुनते नहीं है, दो लोग दूसरे को सुनाते हैं, वो उनको सुनाता है, वो उनको सुनाता है। इससे जीवन में संकट बढ़ता जाता है और परिणाम मोहल्ले वाले परिवार और रिश्तेदार सब मस्ती लेते हैं। लेकिन हमें अपने जीवन को बचाना है तो एक को बिल्कुल भगवान शिव की तरह मौन हो जाना चाहिए, बिल्कुल शांत। जैसे ही शांत रहेगा तो जानते हो पति को भी चाहिए अपनी पत्नी के सहारा करते हैं, चल पगली तू सही है मैं गलत, आओ चलो चाय पी के आते, देखना मधुरता जीवन में बन ही जाएगा। छोटी छोटी बातों पे वाद विवाद करते हैं और परिणाम विघटन की ओर हम सभी बढ़ जाते हैं। इसलिए सिलेंडर हो जाओ, एक आदमी शांत हो जाओ, देख लेना जीवन में कभी कोई कमी आने वाली नहीं है। जी, तो इस टाइम कोरोना का वक्त चल रहा है महाराज जी, लोग ज्यादातर अपनी स्वास्थ्य को लेकर परेशान हैं, तो ऐसे में कुछ लोगों की आस्था भी है, तो लोग किस भगवान की या देवी देवता की पूजा करें जो कि उनको सुरक्षा प्रदान कर सके, उनको स्वास्थ्य में जितनी परेशानी आ रही है, जो पहले से ही किसी बीमारी से ग्रसित है, तो उससे बचाव हो सके। यहाँ तक अपनी तरफ से सावधानी भी रखनी चाहिए, लेकिन जिन लोगों की आस्था है तो उनको किस भगवान पे देवी देवता पे विश्वास करना चाहिए, क्या समाधान करने चाहिए? देखिए, समाधान का जो सबसे अच्छा आपने वो किया, श्री रामचरितमानस में गोस्वामी जी कहते हैं, जब जब होए धर्म के हानि, बारे असुर अधम अभिमानी। जब जब धर्म की हानि होती है, अधर्म बढ़ जाता है, उस समय किसी न किसी रूप में भगवान इस पृथ्वी पे अवतरित होते हैं। तो उसी के अनुसार मैं सबसे अच्छी आपको बात बताऊं, आस्था की बात हम कहते हैं तो प्रत्येक व्यक्ति को अगर संभव हो सके तो रामचरितमानस की चौपाई का गान करना चाहिए। यदि संभव नहीं है रोजाना तो हनुमान चालीसा को कदाचित ना छोड़िए। क्यों? क्योंकि गोस्वामी जी लिखते हैं, नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। जितने भी रोग हैं, जितने भी दोष हैं, वो सब हनुमान जी महाराज दूर कर देंगे। और साथ में गोस्वामी जी सबसे अंतिम दोहे में कहते हैं क्या, पवन तनय संकट हरन मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित हृदय बसों सुर भूप। जिसके हृदय में राम और सीता जी विद्यमान रहते हैं प्यारे, उसे किसी प्रकार की कोई बीमारी, किसी प्रकार का कोई रोग होने वाला नहीं है। और क्योंकि COVID-19 कोरोना महामारी चल रही है, इससे बचने के दो उपाय मैं आपको बता दूं। एक उपाय है कि सभी को टेंशन फ्री रहना है, क्योंकि सबसे बड़ी आज के समय यदि कोई बीमारी है वो टेंशन है। जो जितनी टेंशन लेगा उतनी जल्दी वो बीमारी की चपेट में आ जाएगा। इसलिए मेरा निवेदन है, कोरोना से मुक्त रहने के लिए टेंशन फ्री रहिए, एक दूसरे के साथ में अच्छा व्यवहार कीजिए, कदाचित किसी बात को मत सोचिए, भगवान का भजन कीजिए, अपने कार्य में व्यस्त रहिए। क्यों? क्योंकि बीमारी आती और जाती रहेगी, इसलिए किसी प्रकार का मन में किसी प्रकार का वाद विवाद उत्पन्न ना करें, इससे आपके जीवन में नकारात्मक वजह समाप्त होगा, सकारात्मक बना रहेगा। क्यों? क्योंकि मौसम इस समय ठंडा चल रहा है और ज्यादातर आपको तकलीफ होती रहेगी। तो मैं प्रत्येक व्यक्ति से एक निवेदन करूंगा, संभवतः बहुत से विषय हैं लेकिन उन विषयों को छोड़कर बस एक विशेष निवेदन है कि प्रत्येक व्यक्ति सुबह शाम दोपहर जब भी पानी पिए वो गुनगुना पानी पिए, उससे देख लीजिएगा उसके जीवन में कभी कोई बीमारी आने वाली नहीं है। इसलिए कोशिश करें, भगवान का भजन करें, टेंशन फ्री रहें और देख लेना बीमारी से बचता ही रहेगा। जी महाराज जी, नए साल में लोग अच्छा काम करने की कोशिश करते हैं, दान पुण्य करते हैं, ये कितना सही रहता है? देखिए, दान पुण्य तो हमें समय समय के पे करना ही चाहिए और साल की शुरुआत पे करते हैं तो वो सबसे बेस्ट है। अभी जैसे ही 1 जनवरी की हम शुरुआत में आएंगे तो प्रातःकालीन भोर में जगें, भगवान के मंदिर में जाएं, दिवाली में पूजन करें, अर्चन करें, माता पिता के चरणों को पकारें, उनके साथ अच्छे से बात करें, अपने रिश्तेदार नातों को दारों को फ़ोन करके उनसे उनका हाल चाल लें, जिनसे कभी उन्होंने आज तक बात नहीं की है उन्हें भी अपनी तरफ से फ़ोन लगाएं, उनका हाल चाल लें, आप कैसे हैं देख लेना, अगर आपने जीवन में पहल कर लीजिए, इससे बड़ा दान आपके लिए कुछ और नहीं है। क्यों? क्योंकि जानते हो जीवन में जो झुकता है वही जीवन में सदैव आगे बढ़ता है, और जो जीवन में झुक नहीं सकता वो कदाचित बढ़ नहीं सकता। गांव में देखा होगा लिप्टिस का पेड़ बिल्कुल सीधा जाता है और आम का पेड़ झुका रहता है, जो झुका रहता है वो सदैव फल देता है, अपने को भी अपने परिवार को भी, और जो बिल्कुल सीधा जाता है वो किसी न किसी ने टूट ही जाता है। इसलिए झुको, अपने रिश्तेदार नातेदारों से अच्छी बात करो और साथ में दान पुण्य अवश्य करो। ठंडक का मौसम में जितना आपकी पॉकेट अलाउ करती है उतना दान करो, यानी कि घर
फूक के तमाशा देखो, पत्नी की इच्छाओं को मार दो, माता पिता की इच्छाओं को मार दो, भाई की इच्छाओं को मार दो, ये कार्य कदाचन न करो। दान भी अपनी व्यवस्था के अनुसार करो। मैं आजकल ये दिखावती हूँ जो दान पत्र चल रहा है फेसबुक बहुत सौ के माध्यम से, इसको कदाचित बंद कर लो। क्यों? क्योंकि जानते हो दान का नियम तो ये है, दाहिने हाथ से दे रहे हो तो प्यारे बाएं हाथ को पता नहीं चलना चाहिए। और जिसको भी दो, एक व्यक्ति को करो, उसका पूरा लालन पालन अच्छे से करो, उसमें आपका भी कल्याण है और समाज का कल्याण है। ऐसा ना करो कि एक लाइन से दसियों लोगों को दे रहे हो लेकिन कल्याण किसी का भी नहीं हो रहा है। इसलिए एक व्यक्ति दो व्यक्ति, शिक्षा का माध्यम ले लो, शिक्षा के लिए बच्चों को कॉपी किताब पेंसिल ये सुविधा हो सके दे सको। अगर कोई बीमार है तो उसकी दवाइयों के इलाज के लिए कर दो। एक एक व्यक्ति का भी खर्चा अगर प्रत्येक व्यक्ति ने उठाना प्रारंभ कर दिया तो देख लेना, जो रोजाना आजकल राजनेता कहते हैं कि भुखमरी और गरीबी हिंदुस्तान की देन है, प्यारे हिंदुस्तान की कोई देन नहीं है, सभी यहीं के हैं। इसलिए ऐसी भुखमरी को समाप्त करने का एक ही सही तरीका है, एक एक व्यक्ति को सही से ध्यान रखना शुरू कर दें, जीवन में गरीबी भी समाप्त हो जाएगी और आप जो भगवान के प्रति अपने गरीबों के लिए कुछ करना चाहते हैं उसमें आपका भी कल्याण हो जाएगा। जी महाराज जी, माता पिता अपने बच्चों के लिए भी चिंतित रहते हैं। कुछ बच्चे जो छोटे होते हैं पढ़ाई में मन नहीं लगता है, आने वाले समय में चाहते हैं कि इस साल तो चलो बीत गया, कोरोना की वजह से पढ़ाई नहीं हो पाई, आने वाले समय में बच्चों का मन कैसे लगे पढ़ाई की तरफ या फिर उनकी आस्था भगवान में जागे, तो क्या करना चाहिए ऐसे माता पिता को या फिर बच्चों को? देखिए आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। प्रत्येक माता पिता चाहते हैं कि हाँ, जिस दिन से बच्चा जन्म लेता है उस दिन से उसके मन में अनेकानेक इच्छाएं जागृत होती है। कोई चाहता है मैं आईएएस बनाऊं, कोई पीसीएस बनाऊं, कोई टीचर बनाऊं, कोई कुछ करूं। लेकिन सबसे अच्छी बात जानते हैं, बनाने से पूर्व प्रत्येक माता पिता अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देना चाहते हैं, ये अच्छी बात है, उसे बढ़ाना चाहते हैं। लेकिन स्वयं भी माता पिता को बदलना पड़ेगा। आजकल माता पिता पश्चिमी सभ्यता को अपनाते जा रहे हैं, अपनी भारतीय संस्कृति को भूलते जा रहे हैं। नए साल की शुरुआत तो कर रहे हैं, नए साल की शुरुआत तो माता पिता को भी चाहिए। वो अपने सास ससुर के चरणों को स्पर्श करके अपने भगवान की पूजा में अपने समस्त बालकों को बालिकाओं को बैठा करके घर परिवार में जो बच्चे काम करते हैं, जो लोग लगे, उनको भी एक साथ भगवान की पूजा करें, एक साथ भगवान की अर्चना करें, भगवान को भोग लगाएं और सब मिलकर के भगवान की आरती लें और उसके उपरांत सभी प्रेम से एक साथ नाश्ता करें, भोजन करें। क्यों? क्योंकि भोजन और नाश्ता आजकल प्रत्येक माँ अपने बच्चों को कमरे में दे देती है और परिणाम बचपन में वो देती है और जवानी में खुद अलग अलग ले लेते हैं और परिणाम शिक्षा तो अच्छी मिल रही लेकिन संस्कार अच्छे नहीं मिल रहे हैं। तो प्रत्येक माता पिता से निवेदन है, एक साथ बच्चों को पूजा पे बैठाएं, एक साथ भोजन कराएं, एक साथ ही कहें सभी के चरणों को पखारें और एक साथ ही नियम बनाएं कहीं घूमने के जाने के लिए। और बच्चों को अगर अच्छी शिक्षा देना चाहते हैं, अच्छा संकेत देना चाहते हैं तो संस्कार अच्छे करें। और संस्कार के साथ में जानते हैं सबसे अच्छी बात क्या है, आज के वक्त में बच्चों को अपना समय दें। माता पिता सब कुछ देते हैं लेकिन आज के वक्त में समय नहीं देते। मोबाइल अच्छा दिला देंगे, लैपटॉप अच्छा दिला देंगे, पैसे दे देंगे, अच्छे घूमने की पिकनिक के लिए पैसे दे देंगे, चीजें दे देंगे, लेकिन वो समय नहीं देंगे। अगर समय नहीं देंगे तो आज आपका बालक आपकी बालिका बदल जाएंगे। इसलिए अपने बच्चों को अपने दोस्त जैसा बनाओ, उनके दिल का हालचाल स्वयं लो, अपने दिल का हालचाल दो। क्यों? क्योंकि जब जानते हो घर में सुकून नहीं मिलता तो बच्चे बाहर की तरफ जाते हैं, चाहे वो लड़का हो या फिर लड़की। इसलिए अपने बच्चों को अगर जीवन में अच्छा कुछ करवाना चाहते हैं तो अपना दोस्त बना लो, अपने सुख दुख आपस में बांटना शुरू कर दो। देख लेना ये बच्चे आपका निरंतर प्यार करेंगे, नहीं तो बुढ़ापे में वृद्धाश्रम जाने में समय लगने वाला नहीं है। जी महाराज जी, अगर बात करें पूजा पाठ की, तो जिन बच्चों का मन नहीं लगता पूजा पाठ में या फिर पढ़ाई में, तो किस देवी देवता की पूजा करनी चाहिए ताकि बच्चे पढ़ाई की ओर ध्यान दें और अच्छा भविष्य रहे बच्चों का? बिल्कुल, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया मुझसे। मैं आपको सच्ची बात बताऊं, एक विशेष बात आप यहाँ पे स्मरण रखिए कि बच्चों में जब बाल काल में बच्चा जन्म लेता है तो पहले के समय में बच्चे घर में जन्म लेते थे, लेकिन आज के समय में आपने देखा सब हॉस्पिटल में जाते हैं। हॉस्पिटल में आने के बाद में माता पिता अपने कार्यों में इतना व्यस्त हो गए कि बचपन से ही, क्योंकि कि अपने मोबाइल फ़ोन में अपने लैपटॉप में रहते हैं, तो बचपन में जब बच्चे को भोजन कराना होता है तो वो भी एक मोबाइल फ़ोन दे देते हैं और कहते बेटा देखो, शुरुआत में मोबाइल फ़ोन होने दिखाते हैं और परिणाम वो देखते हैं, मन और लत किस में लगे उस मोबाइल फोन में। अब बचपन में लगे वो लत धीरे 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 बड़ी होने लगी और परिणाम उसी मोबाइल फोन में उनका मन लग गया, शिक्षा की तरफ उनका जरा सा भी संकेत नहीं जाता। बच्चों का अगर कुछ अच्छा करना है तो मैं प्रत्येक माता पिता से कहूंगा, बाल जैसे ही बालक का जन्म हुआ, जन्म के समय में उसमें संस्कार विद्यमान करें। संस्कार का सबसे पहले नियम, क्योंकि हमारे हिंदू सनातन धर्म में 16 श्रृंगार संस्कार है, लेकिन परिणाम आजकल दो संस्कार सभी को याद रहता है। एक संस्कार जानते हैं कौन सा? विवाह संस्कार, और दूसरा अंतिम संस्कार। भी चले संस्कार सब
भूल जाते हैं, लेकिन जीवन में 16 संस्कार हैं, इसलिए प्रत्येक माता पिता को ये 16 संस्कार अपने जातक कर्म उस बच्चे के कराने चाहिए, जिससे परिणाम स्वरूप उनका मन विद्या में लगेगा। बाल समय में जैसे ही बच्चा होता है उसके कुछ समय बाद उसके लिए मस्तक पे टीका लगाना शुरू कर दे, भगवान की पूजा करके आते हैं, उसको भी आरती दिखाएं अपने तरीके से, जैसे भी हो सके आरती दिखाएं, बच्चे को गोद में लेके भगवान की पूजा करें, वो स्वयं पढ़ें अच्छे अच्छे इतिहास की बातें अपने बच्चों को सुनाएं। मैं विश्वास दिलाता हूँ कोई भी बच्चा शिक्षा से अलग हो नहीं सकता है, लेकिन सब मस्ती में है, और जब मस्ती में लगे हैं तो परिणाम आप समझते हैं, सब अपनी अपनी मस्ती में लग गए, अपने अपने फेसबुक में लगे, अपने व्हाट्सअप में लगे, अपने इंस्टाग्राम, अपने ट्विटर, और शिक्षा तो धीरे धीरे लुप्त होती चली जा रही है। इसलिए अभी भी जागो, तभी सवेरा है। माता पिता अपने बच्चों को साथ में बैठा के पढ़ाएं, समय दें, तो देख लेना शिक्षा से कोई बच्चा अलग नहीं होगा। साथ में भगवान श्री गणेश जी, क्योंकि बुद्धि के देवता है, माता सरस्वती विद्या की देवी है, इन दोनों का पूजन स्मरण वंदन रोजाना बच्चों से कराएं, और साथ में प्रत्येक बच्चों को हनुमान चालीसा का पाठ अवश्य कराएं। जो हनुमान चालीसा के पाठ को पढ़ेगा प्यारे, उसके जीवन में कभी कोई संकट आने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि मेरी मैया ने वरदान दिया, कौन सा? अजर अमर गुण निध सुत हूं करूं बहुत रघुनायक छो। किसे वरदान दिया है? भगवान श्री हनुमान जी महाराज को, कि आप अजर भी हो इस कलयुग में, अमर हो और कलयुग के अंत तक के रहो, तो इस कलयुग में हनुमान जी महाराज समस्त कष्टों का हरण कर लेंगे। इसलिए प्रत्येक बच्चे को हनुमान चालीसा का गान अवश्य कराएं। क्यों? क्योंकि मेरा विशेष हनुमान जी की पूजा पे साल की शुरुआत शनिवार से हो रही है, इसलिए हनुमान जी को भजना शुरू कर दो। यदि साल के 365 दिन अच्छे रखना चाहते हो कि आपके बच्चे के जीवन में सदैव कल्याण हो, तो हनुमान चालीसा का पाठ करवाना प्रारंभ कर दो। यदि बच्चा बहुत छोटा है तो उसको गोद में लेके आप स्वयं हनुमान चालीसा का पाठ करें। जो लोग नहीं गा सकते, नहीं गुनगुना सकते, नहीं बोल सकते हैं पढ़ करके, वो मोबाइल फोन में आजकल यूट्यूब चैनल के माध्यम से हनुमान चालीसा सुन सकते हैं। बच्चों के कानों में यदि ध्वनि जाएगा तो भी उस बच्चे का कल्याण हो सकेगा, लेकिन आजकल तो मस्ती गानों की लगी है, हनुमान चालीसा कौन गाए? हनुमान चालीसा गाओगे तुम्हारा भी कल्याण होगा, आपके परिवार में आपके बच्चे का कल्याण होगा, आने वाली समस्त नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होगी, जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश होगा। क्यों? क्योंकि हनुमान जी को भजोगे तो आप सभी का कल्याण होगा। बिल्कुल महाराज जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। आपने बताया कि किस तरह से हमारा ये नववर्ष आने वाला अच्छा रह सकता है, नकारात्मकता को कैसे दूर कर सकते हैं, कैसे हम अपने बच्चों का मन पढ़ाई में लगवा सकते हैं और कैसे घर में सुख शांति आ सकती है। तो हमारे साथ इस वक्त मौजूद थे मानस अमृत सेवा संस्थान के परमाध्यक्ष, रामकथा के सरस गायक जितेंद्री जी महाराज जी, जिन्होंने हमें तमाम जानकारियां दी कि हमें नए साल की शुरुआत कैसे करनी चाहिए, क्या क्या सुधार करना चाहिए अपने दिनचर्या में, और पहले साल के दिन यानी कि 1 तारीख से हमें किन चीजों का पालन करना चाहिए और किन चीजों से दूर रहना चाहिए। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही, आप सभी को नववर्ष की ढेरों शुभकामनाएं। देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।